हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अयाज ब्लॉग। हैप्पी रिपब्लिक डे अयाज ब्लॉग की तरफ से हमारे सारे व्यूवर्स को, हमारे सारे देशवासियों को। मौसम बहुत ही सुहाना बना हुआ है। आज फिर से 26 जनवरी को सुबह से बारिश स्टार्ट हो गया। बहुत प्यारा बेहतरीन नज़ारा। हम अभी दफना में हैं और दफना में हैं तो हम दफना से मामा जाएंगे और नए सोते हुए। आज इंडिया 74 रिपब्लिक डे मना रही है। हम सबको अपने वतन पे गर्व है। वी लव यू ऑलवेज एवरी सेकेंड इंडिया, लव यू। प्यारे देशवासियों, हमेशा अपने देश को खूबसूरत बनाओ, बेहतरीन बनाओ। बेहतरीन बनाओगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, ऊंचा होगा। आज बाहर का जो देश है, छोटे छोटे देश, वो आज जो है हमारे देश से ना जाने की कई गुना मतलब आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते इतना मतलब आगे। तो हम सब जब एक भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ लेके चलेंगे, जब भी देश आगे बढ़ सकता है। हर कोई, हर इंसान, यहाँ तक इंसान ही नहीं, आप जानवर की भी ले लो मिसाल में, उसे भी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आप उससे मोहब्बत करोगे तो वो आपसे भी मोहब्बत करेगा। जब इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करना सीख जाए, एक दूसरे को साथ लेके चलना सीख जाए, तो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता कभी भी। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपस में जो है ना भाईचारगी जो ख़त्म लोग कर देते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ को जो है हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग बनाए, क्यों हम नहीं रह सकते प्यार से, भाईचारगी से, सादगी से। आप दूसरे देश को देख के भी तो अपना कुछ अकल दे सकते हो कि नहीं? आज बाहर मोबाइल का जो देश है, गल्फ कंट्री हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कोई भी देश आप ले लो मिसाल के तौर पर, तो वो आज इतना आगे क्यों है? इंसानियत है उसके अंदर। हुकूमत जो होती है, जिसका भी हुकूमत आता है, वो अपने कौम के प्रति, अपने देश के प्रति जीता है, ना कि खुद के प्रति। अगर आप लीडरशिप ले रहे हो, लीडरशिप आपको पब्लिक दे रही है, तो आप पब्लिक के लिए अपना तन मन धन जो भी है वार दो, पेशावर कर दो, फिर देखो। आप देख रहे हो ना वीडियो में, इस तरीके से नज़ारा आएगा फिर इंडिया में। तो आप जब तक करप्शन, हदस, चलन, आवारापन, आवारगी, बदचलन, लूटपाट, जो भी बुराइयां हैं, यानी जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे उसे, जब तक आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, आप अच्छा बनना चाह रहे हो, अपने देश को आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को जो है ना
प्यार, मोहब्बत, अखलाक, दीवानगी एक दूसरे के प्रति ऐसी होनी चाहिए कि फौरन हर चीज़ में हाजिर हो जाए, फौरन ऐसी दीवानगी होनी चाहिए। और ऐसी दीवानगी जब आ जाएगी ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर हमारा देश जो है सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर से वही सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो आप जब तक दिल से जो है ना ये नफरती जलन एक दूसरे के प्रति ये सबको ख़त्म करो प्लीज़। 74 रिपब्लिक डे आप लोग मना रहे हो, बहुत खुशी की बात, हमें प्राउड फील होता है कि हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा जब मिला, हम उसके खुशी में ये रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस खुशी में आप एक प्रण लो, यानी एक वचन लो कि आइंदा हम किसी के प्रति किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। अगर इस चीज़ को आप दिल में ठान लेते हो, पुख्ता यकीन बना लेते हो, तो इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ हर चीज़ परफेक्ट होगा, बेहतर होगा। माशाल्लाह मैं दोहा कतर में हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ 2018 से, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का कल्चर है, और यहाँ का व्यवहार है, यहाँ का जो अखलाक है, यहाँ का जो प्यार है, वो दिलों पे, लोगों के दिलों पे हावी हो जाता है। जो बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, उनके दिल पे हावी हो जाता है। मतलब ऐसे चुंबक होता है ना, चुंबक, मैग्नेट। आप किसी भी धातु को ले लो और सामने मैग्नेट रखो, चुंबक रखो, वो खींचा उसी की तरफ चला जाता है ना। उसी तरीके से ये गल्फ कंट्री है, यहाँ पे जो उनको सुकून, उनको जो भाईचारगी, उनको जो प्यार, उनको जो मोहब्बत, उनको जो रेस्पेक्ट मिलती है ना, वो उसके तरफ खींचा चला जाता है। क्यों, क्या ज़रूरत है हमसे प्यार करने के लिए, हमें रिस्पेक्ट देने के लिए? वो इसलिए दे रहे हैं कि उनके अंदर ये चीज़ है, वो खुद अखलाकमंद है, रेस्पेक्टफुल इंसान है, भाईचारगी रखना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, तो फिर वो चीज़ लोगों को भी देते हैं। और हमारे मुमालिक में क्या है, हमारे दिल से ये चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये 2023 की ढेर सारे शुभकामनाएँ के साथ ये रिपब्लिक डे, नेशनल डे, हैप्पी नेशनल डे के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। आप लोग भी हमेशा ऐसे ही कुछ सीखें, कुछ तो सीखें बाहर के देशों से, बाहर के लोगों से, किस अखलाक, किस मोहब्बत के साथ रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज ये बाहर का मुल्क जो है, बाहर का देश जो है, वो आगे जा रहा है। रीज़न यही है। डेवलपमेंट कब होता है, आप घर मिसाल ले लो ना, आप घर से ही ले लो, ठीक है। आप एक छोटा सा घर बनाते हो और उसमें चार भाई रहता है, ठीक है। चारों भाई बहुत ही मुशक्कत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, सूखा रोटी ये वो करके, भूखमरी, बहुत सारा हालात देखते हुए उसने मेहनत किया और मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया और उस घर को खूबसूरत किया। सब लोगों ने मिलके, चारों भाइयों ने, तो वो घर कंप्लीट, माशाल्लाह, यानी ये वो घर कंप्लीट हो गया। जो इतने दिनों से परेशान थे, तो वो सुकून कब मिला, जब आपस में मिलके सब एक साथ मेहनत किए, वो चीज़ हासिल किए, तो आज उनको सुकून मिला और वो घर मुकम्मल हो गया। तो इसी तरीके से है, हम सब
जितने भी लोग हैं, जब एक साथ मिलके किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को आगे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है स्ट्रांग होगा और हाई होगा, आगे बढ़ेगा। यकीन है, यकीन मानिए, किसी भी चीज़ को लेके आप मिलके जा रहे हो, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए आप लोग अगर मिलके जा रहे हो, एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि हमें इस चीज़ को करना है और इसे आगे लेके जाना है, तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली वो आगे जाएगा और वो काम आपका मुकम्मल होगा, क्योंकि आपने इरादा कर लिया पुख्ता। आप जब इरादा कर लेते हो पुख्ता, किसी चीज़ का नियत कर लेते हो, सब लोग मिल के कर लेते हो कि हमें ये चीज़ करना है, तो इंशाल्लाह उसमें ऊपर वाले अल्लाह की भी हिकमत होती है, मोहब्बत होती है, मदद होती है, क्योंकि आपने नियत किया है अखलाक के साथ, अच्छे नियत के साथ, सब लोग मिल के किए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें जो है ना रहमत पैदा हो जाती है। तो इसी तरीके से अपने देश को जब लेके जाना है ना, तो सबका ए टू जेड जो भी, क्योंकि जब देश इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो उसमें हर किसी ने सहयोग किया था, हर किसी ने ए टू जेड धन मन तन से पूरी तरीके से उन्होंने जो है अपने देश को बचाया गुलामी से, तब जाके आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सब जब मिलके देश को खूबसूरत बनाना चाह रहे हो, ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हो गल्फ मवाली की तरह, तो सबको एक होना चाहिए, एक होना पड़ेगा, भाईचारगी लाना पड़ेगा। आप जब तक ये चीज़ नहीं लाओगे, तो मेरे ख्याल से आप सक्सेस नहीं हो सकते, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई काम अकेला आप कब तक करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए साथ होना ज़रूरी है, और अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, नियत अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ जब हो जाएगा ना इंशाल्लाह, तो देखना फिर ये ब्यूटीफुल नज़ारा हमें इंडिया में मिलेगा, फिर हमें जो है, हम गल्फ ममालिक में आके जॉब कर रहे हैं, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्त यार भाई, रिश्तेदार सब को छोड़ के पीछे यहाँ आके जॉब करते हैं, तो ये चीज़ हमें फिर वहीं मुहैया हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश डेवलप करेगा तो यकीनन हर चीज़ होगा, फिर हमें किसी भी देश में जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ कब होगा, जब आपके नियत अच्छी होगी, अखलाक अच्छी होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, एक दूसरे के प्रति हवस, जलन, नाराज़गी, ये चीज़ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ होगा फिर, जैसे गल्फ ममालिक में होता है, लोग आते हैं ना काम करने के लिए, दिहाड़ी के लिए, तो ऐसा बनना चाहिए। हमारे दिल में तो यही ख्वाहिश है रब से कि हमारा देश ऐसा हो जाए, ऐसा बन जाए कि हमें किसी दूसरे देश में जाके जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हमारा देश होगा, रब से यही दुआ है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह होगा, कभी ना कभी तो होगा इंशाल्लाह, यकीन है रब से, ऊपर वाले से, एक ना एक दिन हर किसी को समझ आएगी ये बात, जो आज दिल में नफ़रत लिए बैठे हैं एक दूसरे के प्रति, उन्हें भी एक दिन समझ आएगी कि हम ये क्या कर रहे थे, जो हमारे लिए जान देते हैं, जो हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये माहौल क्रिएट कीजिए कि एक सर्कल होना चाहिए, हर किसी गली मोहल्ले, गांव, कस्बा, स्टेट, राज, यानी हर जगह एक सर्कल होना चाहिए कि हाँ, मुझे मोहब्बत करनी है, हर किसी से मोहब्बत करनी है, हर किसी के दुख में शामिल होना है, हर किसी को लेके चलना है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे ना, यकीन माने हमारा देश फिर से सोने का चिड़िया हो जाएगा, तो सोने का घर हो जाएगा, फिर आप फिर से प्राउड फील करोगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप ज़रूर मेहनत करेंगे। फिर अपना ख्याल रखें, ये हमारा अयाज़ ब्लॉग चैनल है, यूट्यूब हमारा पेज है, फेसबुक अयाज़ ब्लॉग,
अगर वहाँ है तो आप प्लीज़ वहाँ फॉलो करें, और यूट्यूब पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।